15 साल और नीतीश कुमार पलटू मास्टर, इनके कितने 17 साल, 15 और 17 मिला दीजिए 27 साल, 32 साल हो गए। माफ करना, बिहारी मैथ्स में अच्छा होता है। यहां के जो विधायक हैं, यहां के जिसको आप और हमने उनके लिए बड़ी मेहनत की, आपने क्या क्या किया अल्लाह ही जानते हैं। वो क्या किए, तेजस्वी से दौलत लिए दुबई में होटल खोले, होटल का नाम क्या लिखा, हैदराबादी बिरयानी। कितने साल, कितने 12-14 साल राजद की सरकार अख्तर भाई, 15 साल और नीतीश कुमार पलटू मास्टर, इनके कितने 17 साल, 15 और 17 मिला दीजिए 27 साल, 32 साल हो गए। माफ करना, बिहारी मैथ्स में अच्छा होता है। 32 साल में तो दो दो नस्ल तैयार हो जाती है और बिहार में तो बच्चे जल्दी पैदा हो जाते हैं, ये बीजेपी वाले बोलते हैं। 32 साल हो गए, उसके बावजूद भी हमारे जो सफों में जो ये लोग कमजोर लोग बैठे हुए हैं, जो अपना ईमान बेचकर बैठे, अरे 32 साल ही तो हुए ना, 100 साल का हुए। 32 साल में किस कितने घर बर्बाद हो गए, 32 साल में सीमांचल में कितनी जमीन कट गई, 32 साल में कितने किसान बर्बाद हो गए सीमांचल में, मगर हमारे दिमागों में बात बैठी हुई है, नहीं भाई सेकुलरिज्म को जिंदा रखना है, सेकुलरिज्म को तुम नहीं जिंदा रख सकते, ये सेकुलरिज्म को जिंदा रखने की बात हो रही है। सेकुलरिज्म जिंदा उस वक्त रहेगा जब तमाम लोग अपने आप को महफूज समझेंगे, चाहे दलित हो, मुसलमान हो, आदिवासी हो। सेकुलरिज्म की बात, ये लोग अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं लालू, मेरा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए तो बिहार का कल्याण हो जाए, मेरा बेटा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाए तो सबका टन टनाटन फायदा हो जाएगा। मेरे भाई ये कब तक खानदान और पानदान की राजनीति चलती रहेगी, ये आपको फैसला करना है। अख्तर अली मान का आपने हमेशा साथ किया, अख्तर अली मान ही ने बता दिया आपको कि कैसे चार तो भाग गए, बंदरों की तरह दीवार कूद कर भाग गए। मैं उन चारों को कह रहा हूं कि आओ निकल कर आओ सीमांचल की सरजमीन पर और बोलो ऐसी के बारे में, तुम में दम है तो बताओ आके तुम लोग। और हद तो ये हो गई, यहां के जिसको आप और हमने उनके लिए बड़ी मेहनत की, आपने क्या क्या किया अल्लाह ही जानते, वो क्या किए, तेजस्वी से दौलत लिए दुबई में होटल खोले, होटल का नाम क्या लिखा, हैदराबादी बिरयानी। चलो शुक्रिया आजाद, कम से कम तुमने हैदराबाद को याद तो किया अपना जमीर बेचकर। बताइए आप ये कैसे लोग हैं, मगर हमारी तारीख गवाह है। करबला के मैदान में इमाम हुसैन को शहीद करने वाले गैर नहीं थे, मुसलमान थे। करबला के मैदान में इमाम हुसैन के साथ नमाज पढ़ते थे और नमाज के बाद आले रसूल पर तीर बरसाने वाले मुसलमान थे। टीपू सुल्तान को शहीद करने वाले गैर नहीं थे, मुसलमान थे। सिराजुद्दौला को नुकसान पहुंचाने वाले मुसलमान थे। तो हर दौर में यजीद, मीर जाफर और मीर सादिक रहेंगे, मगर हमको उनसे सबक हासिल करना है। मेरे भाई अब की बार हम इन गद्दारों से दोबारा नहीं डसे जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे यकीन है कि आप ये नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने अपने इख्तदार के नशे में, गुरूर में
और इख्तदार की दौलत का गलत इस्तेमाल करके उन्हें सीमांचल की आवाज को खत्म करने की कोशिश की। मैं नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव को, नरेंद्र मोदी को कहना चाहूंगा कि तुम जमीन फरशों को खरीद सकते हो तुम अपने इख्तदार और दौलत की बुनियाद पर, मगर तुम सीमांचल की आवाज को कभी नहीं दबा पाओगे। सीमांचल की आवाज उठेगी इंशाअल्लाह ताला, सीमांचल की लड़ाई जारी रहेगी। मैं मर भी जाऊंगा, मैं खबर में मेरी जिस्म गल जाएगा मट्टी में, मगर सीमांचल की आवाज गूंजती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। ये हमारा मकसद है।